ज्यादती का शिकार 8 साल मसीही बच्ची के लिए वॉइस फॉर जस्टिस इंटरनेशनल के चेयरमैन जोसेफ जॉनसन बने सहारा। साहिवाल से खबर शामिल करती है, जहां पर 134 चक साहिवाल की 8 साल मसीही बच्ची, जिसको मोहम्मद बूटा ने ज्यादती का निशाना बनाया था। बच्ची का बाप यूनस मसीह इंसाफ के लिए अदालत में पेश हुआ। एडिशनल सेशन जज मैडम समीना एजाज ने बच्ची और गवाहान के बयान कलमबंद किए, जबकि वॉइस फॉर जस्टिस के वकील ऑस्कर प्रकाश ने अदालत को बताया कि खानदान के साथ संगीन ज्यादती हुई है और सबूत के तौर पर दस्तावेजात भी पेश किए। इस मौके पर वॉइस फॉर जस्टिस के कोऑर्डिनेटर अशकनाज खोखर का कहना था कि अकलियतों की बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इंसाफ के लिए दुहाई देते खानदानों की सियाहता के लिए तंजीमों और अदारों को मुतहद होकर इन इश्यूज का हल ढूंढना होगा। बच्ची के वालिद यूनस मसीह और विक्टर मसीह ने वॉइस फॉर जस्टिस के चेयरमैन जोसेफ जॉनसन की माली और कानूनी अमदाद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उम्मीद है कि उनके खानदान को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। हम शुक्र गुजार हैं वाइस फॉर जस्टिस के जोसेफ साहब के उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, वाइस शाहर साहब के जो हमारा इतना साथ दे रहे हैं और हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाए।